अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदी। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज नागपुर विधानसभा सत्र में मुमरा कौसा के रोड वाइंडिंग में टूटी हुई दुकानें, थाने मनपा की उर्दू स्कूलों में शिक्षकों मुख्याध्यापकों की नियुक्ति, बेसिक एमिनिटीज की कमी और कब्रस्तान जैसे सेंसिटिव इशू पर आवाज़ उठाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अबू असीम आजमी का यहाँ के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा मुमरा के कई गणमान्य लोग भी जो है उनका स्वागत इस्तकबाल करने में आगे थे। इस इस्तकबाल के बाद जो है मुमरा के जमजम हॉल में जो है कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित इस हॉल में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से छोड़ करके कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिनमें वसीम सैयद, ताजुद्दीन खान, जुबेर सैयद, नौशाद, नावेद शेख आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में हुई बातचीत के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू असीम आजमी ने पूरी तरीके से साफ किया कि यहाँ के लोग अगर साथ देंगे, ईमानदार लोग पार्टी से जुड़ करके पार्टी को बढ़ाने का अगर काम करेंगे, तो 2019 के इलेक्शन में यहाँ से सपा का उम्मीदवार जो है उतरना तय है। और इस घोषणा के साथ ही जो है उन्होंने पार्टी में नए आए हुए लोगों में पुराने लोगों के साथ जोड़ करके एक नया जोश भरने की कोशिश की है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी, जो कि इस शहर में एक अरसे में एक अच्छा खासा दबदबा रखती थी, जिसके चार चार पांच पांच नगर सेवक थे, क्या अपने उन पुराने दिनों को वापस पा पाएगी या अभी की तरह जो कि एक नाम लेवा भर पार्टी बनी हुई है उसी तरह उसकी स्थिति बनी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाकर स्वागत किया। लेकिन यकीन जानिए मुझे स्वागत की कोई जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं किसी तरह से उदास चेहरे पर मुस्कान लाऊं। तो मेरी ड्यूटी होती है कि मैं पूरे महाराष्ट्र के मसाइल, खासतौर से माइनॉरिटी और मुसलमानों के मसाइल पर हाउस के अंदर घूमा नहीं, बल्कि हाउस के अंदर पूरी ताकत के साथ बात करूँ। बहुत सारे इशूज मिले, यहाँ के अकेले साहब बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि आसिफ भाई आप मुमरा क्यों देखते हो। मैंने कहा मेरा शेर का कोई इलाका नहीं होता, जिनको आप वोट देते हैं उन्होंने सदा पकड़ा। मैं बीजेपी शिवसेना की तो भरपूर निंदा करता हूँ। ये पूरी की पूरी त्रिकापरस पार्टी है, इसकी नीति और नियम दोनों खराब, इसका संविधान और इसकी नियम दोनों खराब हो चुकी है। कांग्रेस जनसेने का संविधान देखने के लिए अच्छा है, लेकिन नियत इतनी खराब हो चुकी है कि जिसका भी नेता उतारोगे आपकी चर्ची उसके नीचे नजर आती है। ये मैं बड़ी ताकत के साथ आ जाएंगे। जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, मैं मुमरा की जनता को जज बना के दिखा दूं, उनकी एक गलती माफ मत करना, उनकी निंदा से गलती माफ कर देना, मेरी एक गलती माफ मत करना। अगर मैंने एक जगह भी ऐसा कोई काम किया हो जो उनकी शान में या पार्टी के खिलाफत हो, या मैं अपने आप को कहीं बहुत बड़ा लीडर दिखाने के लिए उनको मैंने दबा के रखा हो, तो उनकी गलतियां सौ माफ करो, मेरी आधी भी माफ मत करो। फैसला तो मेरे क्या हो रहा है, अफसोस है कि आज के कार्यकर्ता लोभी बन गए, माफ करना लालची बन गए। ये राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अपने कौम और मिलन की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं।
कहीं कुछ लीक में पैसे मिल जाते होंगे या कहीं कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती होगी, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई जुलूम भी मिलती होगी। इधर तो समाज में मिलते ही होगा। मेरी मिल्लत मेरी कौम के बारे में जहाँ सवाल करने के फैसले बने हों और मेरी मिल्लत कौन के लोग वहाँ तालियां बनाए। अभी लखनऊ में विधानसभा के बाहर कुछ दलालों ने एक फोटो लगाई थी कि बाबरी मस्जिद की जमीन मंदिर को देकर के मंदिर बनाने का काम किया जाए, ये मुसलमानों की मांग है। अबे अगर तेरा तेरी बॉडी का खून चेक करो तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान का तेरे बॉडी का खून होगा। तो आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों के साथ साथ अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए भी जीने का हुनर सीखिए, लड़ने का हुनर सीखिए। कोई माई के राह में दाखा भी आपके बाल को पाका कर दे जैसा मेरे मौला का हुक्म नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि हमारा पुराना चेहरा हमारे पास सुनाया और आज में बड़ी तकलीफ है, पता नहीं कौन सी नाम क्या बताया था उसने। अरे जो घूमने वाली पहले गुलबल में अपना नुकसान हो जाएगा, मैं क्या बात है भाई। गाँव गुलबल जो है उसमें मुझे इलीगल काम है और इमीडियट ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अब उसी के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा तू मरता कि झिझो है, कसम खुदा की सुनो उम्र वालों, मैं तारा में बन रहा, मेरा बाप कहता था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रभाव से उनको दे दो इस मेरे बेटे को छोड़ दो। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े वकील थे, रामजेठ मलानी से लेकर राजेंद्र सिंह से लेकर से बड़े बड़े सब बड़े वाले थे सरकार के, और मैं तुम्हारे साथ छूट कर आया। रोजाना सुबह 11 बजे जाता था जेल में कोर्ट में, शाम को 5 बजे तक बैठता था कि तुम सिर्फ जमानत होती गई। और इलेक्शन आ गया, मैं आया मैंने पार्टी ज्वाइन किया, इलेक्शन आ गया, मुंबई की जनता मेरे पीछे एकदम खड़ी हो गई, तो मैंने मुरली देवरा के सामने एक उम्मीदवार दायर कर दिया। मुरली देवरा ने मुकेश अंबानी का जहाज दिया प्राइवेट जहाज, वो जहाज लेकर लखनऊ गया नेताजी के पास कि अबू आसिम मेरे खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और वो उम्मीदवार जीत कर नहीं आएगा, मैं हार जाऊंगा। अबू आसिम को आप समझा दीजिए कि शिवसेना वाला बीजेपी वाला न जीतने पाए, इसलिए अपना उम्मीदवार वाला मत लाओ। नेताजी ने कहा सुनो मुरली देवरा, ये काम तुम अबू आसिम से बात करो, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि महाराष्ट्र के बाप पर अबू आसिम मारे दिया। राजबब्बर ने मुझसे कहा आसिम भाई मुरली देवरा कहता है कि सरकार अपनी है, मैं अबू आसिम को काला से निकलवा दूंगा, मैं अबू आसिम की पूरी मदद करूंगा लेकिन उनका उम्मीदवार न लड़े। आसिम भाई जिंदगी जाएगी तो बहुत इलेक्शन आएगा, आप यहाँ पर मत दबाइए। मैंने कहा मुरली राजबब्बर साहब, अबू आसिम अपनी नजरों से ही जीत जाएगा जिस दिन अबू आसिम अपने छूटने के लिए सेटलमेंट कर देगा। मैंने खड़ा किया और मुरली द्वारा हारा और मेरी तमन्ना पूरी हुई, क्योंकि मेरा मकसद ही था कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों के साथ बेईमानी किया है, मुरली द्वारा का वो लफ्ज मुझे याद था जब नरसिम्हा और वहां जिनको चोट लगी थी कह रहा था जिनको मुसलमानों ने मारा वो वीडियो पर आ गया। तो मैं एक तरफ जेल और फांसी की सजा हो सकती है, दूसरी तरफ एक उम्मीदवार को हटाना है, मैंने उम्मीदवार नहीं हटाया बल्कि मैंने सामने का अंदर सारा जो मैंने जिंदगी में लिखा होगा वो होगा, लेकिन मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा। जो मेरे साथी यहाँ पर घुसते भी निकले पता नहीं क्या मिला सकते चार दिन पीछे घुमाए, तो मुझे ऐसे साथी नहीं पार्टी चले या मर जाए, लेकिन चाहिए तो मुझे मर्द चाहिए मर्द। कोई
आपकी दुबई के साथ ध्यान साहब संघर्ष वाले हैं। हम फूलों के बजाय कांटों के रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के आगे रंगे चाटने वाले घूटने टेकने वाले नहीं बनेंगे। ये वादा होकर मैं मेरी पूरी ताकत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि हुआ क्यों, मैं बीजेपी के साथ बैठ रहा हूँ। मुझे आरएसएस के लोग मिलते हैं, कल मुझे एक होटल में दावत किया तो वहाँ पे नागपुर वालों ने जैसा खाना लेने जा रहा था वैसे एक शिवसेना का एमएलए तीन आदमी का अंदर आ गया। अनु भाई नमस्ते भाई, नमस्ते भाई यार बैठा उधर सब लोग। आसिम भाई ये एमएलए आया आपके बगल में बैठाओ क्या, तो बोलता है अनु भाई पसंद नहीं करेगा। हम किसी के साथ बैठे या नहीं बैठे उससे एक डिस्कशन था दिल्ली के अंदर, वो साध्वी प्राची मैं मौलाना वो कौन सा महल है और कांग्रेस के और सारे लोग गए, बड़ा नोकझोंक हुई उस औरत से। मैंने कहा तेरे पास कोई और मुद्दा दिखता नहीं क्या, बहुत लड़ाई हुई उधर। फिर बाद में वो लोग सबकी फोटो लेते हैं, जितने लोग पैनल बैठता है ना पैनल बैठेगा तो दूसरे के खिलाफ बैठे ना फोटो लीजिए, उसका वो फोटो छपा रहा था उसके सोशल मीडिया पे। तो फिर मैंने देखा आप वहाँ उनका स्पीच थे ना, देखा उसके साथ खड़े रहता है कोई मुद्दा नहीं है। अरे उसके साथ ही तो बात करूँगा ना, रोज बात करता हूँ और हाउस के अंदर रोजाना उनके साथ रहता हूँ, कहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें गलत फहमियां पैदा कोई नहीं करना चाहिए। कोई बोलेगा वो आसिम आज जाकर के मोहन भागवत क्या खाना खा रहा था ना, तो मेरा कार्यकर्ता मेरी मिल्लत का आदमी ये सोचना चाहिए अबू आसिम मर्द है, अगर वहां गया था वहां भी अपनी मिल्लत की अच्छी बात करके आएगा झुक के नहीं आएगा। ये सोचना आगे बढ़ेंगे कुछ आते हुए पहले बता आते बता मैं मेरा काम राजनीति ज़्यादा नहीं है, आपको एक साथ जुड़ो मैं काम करूँगा और साथ में काम करूँगा और अभी काम गोश्त गोश्त खाएगा तो साथ चला कर गया। आसिम साहब साल भर बचा हुआ है, एमपी और एमएलए दोनों इलेक्शन जो है सर पर है और आपका रुझान भी जो है कलवा मुमरा की तरफ बढ़ चुका है, अब दूसरी पार्टियों के लोग जो है आपसे जुड़ रहे हैं, तो 2019 में जो एमएलए का इलेक्शन होगा एमपी का इलेक्शन होगा उसको लेकर के क्या रणनीति होगी? यहाँ के लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं किसी को हरा नहीं करूँगा। मेरा टारगेट बीजेपी शिवसेना को हराना है, सांप्रदायिकता को हराना पहले और मुझे जीतना है, लेकिन अगर यहाँ के लोग मेरा साथ देंगे और कहेंगे यहाँ आप लड़ाइए तो मैं एक सीटें कर लाऊंगा। ये जो आपने खुद अभी कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ करके कलवा मुमरा में जो है ध्यान देते हैं, तो क्या वजह हो सकती है कि लोकल एमएलए इस तरीके के इल्ज़ाम आप पर क्यों लगाते हैं? देखिए वो बेचारे घबराए हुए हैं, वो जो है ना वो चाहते हैं कि मैं अपनी मनमानी करूँ और कोई दूसरा यहाँ आए नहीं। वो गधा होता है ना गधा जी, बरसात में बहुत हरी घास रहती है तो जितना चाहे खाए वो, लेकिन वो जब गर्दन उठा कर इतना चढ़ो तो हरी घास है तो चिंता में होता है कि दूसरा गधा ना खा ले कोई और गाय ना चल रहे खास तो बेचारा भूखे रहता है दुबला हो जाता है, सब मौजूद वहाँ दुबला रहता है कोई और ना खा जाए तो बेचारा हमारे एम एल ए यही बेचारे लगी कहीं आना जाए कहीं वो ना जाए। उसके लिए वो जब इलेक्शन आता है ना लोग दादा जी से अल्लाह भेजते हैं 1 करोड़ ले लो 1.5 करोड़ ले लो, उसमें खुला मत करो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ जो बोला गया तो बोल रहा हूँ जी, तो कोई बोल सकता है कि मैं तो सामने बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे ऑफर देते हैं तो हम लोग कहीं नहीं देखते। हम तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं खड़ा होता तो उसको भी खड़ा कर दो ताकि मर्द की तरह लड़ेंगे, जनता हमारे साथ जीतेंगे, जनता नहीं उन्हें नहीं जीतेंगे। हमको एक बेमानी वोट नहीं चाहिए, हमको मुकाबले का दुश्मन तगड़ा चाहिए और इन लोगों को बेमानी वोट चाहिए, इनको कोई सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, जीत के आज ऐसा नहीं चाहिए।
काफी दम आपने नागपुर अधिवेशन में मनपा आयुक्त संजय जायसवाल के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया था, तो उस पर स्पीकर ने क्या ऑर्डर किया है और क्या भूमिका जो है सरकार ने ली? ऐसा है कि दो साल से जितना भी इस तरह का प्रस्ताव आया विशेषाधिकार हनन का, उसमें सरकार ने बहुत काम किया, इसलिए बहुत हंगामा हुआ कि भाई MLA होने के बाद एक ऐसा कानून बनने के बाद ये जो IAS IPS के लोग हैं वो इनका अपमान करते हैं और ये कहते हैं भाई तुम क्या 5 साल में तो हमेशा गिरी हो। इस तरह की चीज़ें बहुत बहस हुई 15 दिनों के अंदर जितने इस तरह के हैं विशेषा भंग अधिकार के जितने हैं उन सब पे मीटिंग बुलाई जा रही है, उस पर चर्चा और उस पर कार्रवाई। समाजवादी में आने के बाद अभी आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, किस तरह से समाजवादी का विस्तार करेंगे, किस तरीके से जो जनसंपर्क आप लोगों का इस पार्टी का लगभग टूटा हुआ है उसको दोबारा कैसा पाएंगे और किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि आप पर पूरे ठाणे जिले की जिम्मेदारी दी गई है वसीम साहब, और ताजुद्दीन भाई को जो है वो युवा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं ऐसा माना जाता है, तो क्या आप लोगों की रणनीति है इस पूरे मामले में? ठीक है, ऐसा है कि आपने जैसे इसको भी याद दिलाया कि ये जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है और मैंने हमेशा से आपसे सलाह मशवरा किया है। इस बार जो है हम लोगों ने नौजवानों का जोश और जज्बा, उसी तरीके से जुबेर सैद की जैसे तजुर्बा, नवेद के जैसे हमारे पास जो सलाहकार और जो एकदम न्यू या जनरेशन है उनके लोगों के अंदर अजीम बादशाह भाई, तो ये सब लोगों ने हमने सबसे पहला जो डिसीजन लिया है वो ये डिसीजन है कि सबसे पहले हम हमारे कार्यकर्ताओं के इलाकों में जाके उनसे मुलाकात करके उनके आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो जाए कि हम पूरे शहर को ही साथ में लाने के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं को ही छोड़ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिस्ट देखी है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है और भी लोग इसके अंदर जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो है हम हमारे कार्यकर्ताओं के इलाकों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके आसपास के इलाके के मसाइल को देखेंगे और उनको मजबूती देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से MIM में आप लोग थे उस वक्त ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं हो रहे थे शहर के किन्हीं मुद्दों को लेकर के, MIM पार्टी न तब भी न अब भी कहीं शहर के राजनीतिक मैदान में दिखाई दे रही, तो क्या उसी की यहाँ पर जो है रिपीटेशन होगी या उसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं, मैं तो आप न्यूज़ फेटर्निटी वाले लोग हैं तो आपको तो ज़्यादा ही खबर है मुझसे, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 15 से 18 दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 3 से ज़्यादा ऐसे मुद्दे जो है ना सिर्फ शहर के लेवल के ऊपर बल्कि जनाब अबू आसिम आज़मी ने जो है वो महाराष्ट्र के सदन में जो किया, तो अब तो ज़मीनी काम जो है आप ज़्यादा देखेंगे। एक मोर्चा जो है वो TMC स्कूल के ख़िलाफ़ जो निकाला गया था जहाँ पर जो उनकी मनमानी चल रही है, और इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो एक और मीटिंग आपस में कर जो है वो कब्रस्तान के लिए जो एग्जिस्टिंग कब्रस्तान है मुमरा के अंदर वहाँ जाकर उन कब्रस्तान का जायज़ा लेंगे, वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे, वहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या मुश्किलात हैं जो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं और नए कब्रस्तान जो कि यहाँ का जो लोकल आमदार है जो उसके लिए परेशानियाँ खड़ी करें उसको कैसे दूर की जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कलवा मुमरा के अध्यक्ष सिकंदर खान ने पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ करी हैं और आने वाले दिनों में भी करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ नाम लेते के साथ ही हमारे सदर भी यहां के बहुत ही बेबाक और जुजाजुर सदर है, हम लोग सब एक टीम है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ें।